गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, माई सेल्फ विपुल शर्मा फ्रॉम डॉक्टर एडिजोन। आज हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हर साल हज़ारों की संख्या में अपनी MBBS की स्टडी करने इस कंट्री को चुनते हैं, क्योंकि इस कंट्री का स्टडी पैटर्न और स्टडी क्वालिटी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। कीव यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में कीव में 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। अगर हम पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, उसका नाम है ओ बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी 1841 में बनकर तैयार हुई थी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेडिकल की फील्ड में इसका बैकग्राउंड 179 ईयर्स पुराना है और अभी तक यह यूनिवर्सिटी 15,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुकी हैं, जिनसे कि फ्यूचर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इवन इसके अंदर फॉरेनर स्टूडेंट्स की बात करें तो 56 अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपनी स्टडी कर रहे हैं। और इवन इस समय भी 1500 फॉरेनर स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में हैं। अगर हम इसके टीचर्स और एम्प्लॉयज़ की संख्या की बात करें तो मोर ओवर यहाँ पे 1250 से अधिक टीचर्स और एम्प्लॉयज़ आपको फैसिलिटी में अवेलेबल हैं, और टीचर्स हाईली क्वालिफाइड और यूक्रेन के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम बात करते हैं कैपिटल में सिचुएटेड दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है तारस शिवचिंको नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी 1834 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लगभग 186 ईयर पुरानी यह यूनिवर्सिटी है, परंतु इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कोर्स हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है। लगभग 3 से 4 साल पहले यहाँ पे MBBS कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, परंतु इस यूनिवर्सिटी का नाम इतना अच्छा है, यहाँ पे अधिक संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स और अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स अपनी मेडिकल की स्टडी करने के लिए हर साल आ रहे हैं। और परंतु इसका एक वजह यह भी है कि अभी तक इनका पहला बैच पास नहीं हुआ, तो अभी हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, पर स्टूडेंट्स का रिव्यू अच्छा है इस यूनिवर्सिटी को लेके। हम आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी पे स्टूडेंट्स के रिव्यू की वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे। तो हम बात करते हैं तीसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जोनसी की कैपिटल में सिचुएटेड है। कैपिटल में पढ़ने का अपना ही बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती हैं, पर कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेज भी है। तो तीसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी है कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी 1992 में बनकर स्टैब्लिश हुई थी, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह यूनिवर्सिटी लगभग 28 साल पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। परंतु कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 2014 के बाद, अगस्त 2014 के बाद ही फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए अपने गेट खोले थे। तो अभी तक यहाँ पे लगभग 1000 से अधिक फॉरेनर स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर रहे हैं अलग अलग कोर्सेज में। और अभी तक यह यूनिवर्सिटी 1992 से लेके 2020 तक 10,000 स्टूडेंट्स को उनको ट्रेन कर चुकी है अलग अलग फील्ड में, लाइक जनरल मेडिसिन में, डेंटल में, फार्मेसी में, BSc में, नर्सिंग में, अलग अलग कोर्सेज में 10,000 स्टूडेंट्स को यह यूनिवर्सिटी ट्रेन कर चुकी है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जिसका नाम है डेनिप्रोपेत्रोव्स्क। यहाँ पे बहुत ही फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी है डेनिप्रोपेत्रोव्स्क स्टेट मेडिकल अकेडमी। यह यूनिवर्सिटी 15 सितंबर 1963 में बनाई गई थी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यह यूनिवर्सिटी 104 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। और यह यूनिवर्सिटी 2015 के बाद इसको अंडरटेक कर लिया था हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ यूक्रेन ने।
तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टेट की तरफ, लवीव। लवीव में सिचुएटेड है लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी लगभग 1784 में बनके एस्टेब्लिश हुई थी। इसके 236 ईयर पुरानी यह यूनिवर्सिटी है, परंतु इसके अंदर फॉरनर स्टूडेंट्स 1997 से जाना स्टार्ट हुए थे। लगभग 23 साल से यह यूनिवर्सिटी फॉरनर स्टूडेंट्स को MBBS MD में स्टडी करवा रही है। तो हम बात करते हैं अपनी अगली स्टेट के बारे में, इवानो फ्रेंकिस्क हंगरी की बॉर्डर को टच करता है। यहाँ पे फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी है इवानो फ्रेंकिस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह स्टेट बहुत ही शांत और सुंदर स्टेट है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिश की बात करें तो 1945 में यह यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि यह यूनिवर्सिटी लगभग 75 ईयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के साथ लगभग 12 हॉस्पिटल अटैच हैं इस स्टेट के, जहां पे स्टूडेंट जाके अपनी इंटर्नशिप और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2009 के बाद यहाँ पे फॉरनर स्टूडेंट्स आने स्टार्ट हो गए थे। अब तक लगभग इस यूनिवर्सिटी से 4000 फॉरेन स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज में। के बारे में जेफरोजिया, यहाँ पे सिचुएटेड है जेफरोजिया मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह 47 ईयर्स पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, 5 क्लिनिक इस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हैं, 3 हॉस्टल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। हम बात करते हैं टर्नोपिल स्टेट के बारे में। यहाँ पे टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। यह यूनिवर्सिटी 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह लगभग 63 ईयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है। 2016 से में इस यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने गेट खोले थे, यानी कि 2016 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अधिक आने शुरू हो गए थे। वैसे 1977 से इस यूनिवर्सिटी ने फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए गेट खोले हैं, पर उस समय स्टडी यहाँ पे रशियन में होती थी। इस समय यहाँ पे लगभग 1500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से। तो हम बात करते हैं अपनी अगली मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में और अगली स्टेट के बारे में, विनिसिया। विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 1921 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह 99 ईयर्स पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स अधिक संख्या में पढ़ रहे हैं और उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे FMG MCI की कोचिंग भी अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं अगली स्टेट के बारे में, अगले ओब्लास्ट के बारे में, वह ओडिशा। ओडिशा में सिचुएटेड है निकोलाइज में ब्लैक सी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ब्लैक सी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह लगभग 24 साल पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स अधिक मात्रा में जा रहे हैं अपनी स्टडी करने के लिए और इस यूनिवर्सिटी की। तो हम बात करते हैं सुमी स्टेट की। यहाँ पे बहुत ही फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी है सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी को स्टेट का दर्जा 1993 में मिला था और 2000 से यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी MBBS की पढ़ाई करने के लिए हर साल जाते हैं। यह रशिया के बॉर्डर को टच करता है सुमी स्टेट। अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बात करें कि टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो लगभग इस समय यहाँ पे 800 से 900 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं खार्किव स्टेट के बारे में। खार्किव के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। कीव से लगभग ट्रेन या बस से आप 4 से 5 घंटे की ट्रैवल करके आप खार्किव पहुँच सकते हैं। खार्किव रशिया की बॉर्डर पे सिचुएटेड एक स्टेट है। यहाँ पे लगभग 4 से 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। तो हम बात करते हैं नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी 1951 में बनकर तैयार हुई थी। इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड 70 ईयर्स पुराना है
और यहाँ पे लगभग 3400 फॉरेन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अभी तक 2020 तक अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं अलग अलग कोर्सेज में। तो हम बात करते हैं दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसका इस समय का ऑफिशियल नाम है वी एन क्राजिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी 1805 में बनकर तैयार हुई थी। लगभग 215 साल पुराना इस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है, पर इसके अंदर मेडिकल कोर्स 1921 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हम मेडिकल बैकग्राउंड की भी बात करें तो 99 ईयर्स पुराना इसका मेडिकल बैकग्राउंड है, परंतु 1999 में इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया गया था। 1999 से पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम क्राजिन यूनिवर्सिटी था, उसके बाद इसका नाम 1999 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने वी एन क्राजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया था। और 2004 से इस यूनिवर्सिटी की एक सेपरेट बिल्डिंग बना दी गई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज के लिए। तो हम बात करते हैं खार्किव में सिचुएटेड अपनी तीसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप इस चीज़ से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए कि मैंने पहले भी कीव के अंदर कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था और अब खार्किव में भी जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की दो ब्रांचेज हैं, एक है कीव में, दूसरी है खार्किव में। यह यूनिवर्सिटी भी नई यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर फॉरेन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अभी कम आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कीव वाली यूनिवर्सिटी को भी अभी 28 साल हुए हैं खुले हुए, और यह यूनिवर्सिटी भी अभी नहीं है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जिसके थ्रू भी आप जा रहे हैं, कहीं वो आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा आपको कीव वाली कह के खार्किव वाली कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख। फोर्थ एंड द लास्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ खार्किव, इसका नाम है खार्किव इंटरनेशनल। तो स्टूडेंट्स एंड तो खार्किव इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन की अकेली ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जोनसी की प्राइवेट वेजिस पे काम कर रही है। यह एक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, परंतु इसकी फीस उन सभी यूनिवर्सिटी से अधिक रहती है। यहाँ पे आपका बॉन्ड का कुछ आइडिया नहीं होता किस समय बढ़ सकता है, कब कम हो सकता है, पर इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और रिव्यूज़ भी ठीक मिल रहे हैं उन स्टूडेंट्स को। पर अगर आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है तो आप उसके लिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और फेक एजेंट से बचकर रहिए। तो हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेट की, हॉजरॉड। हॉजरॉड में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हॉजरॉड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह लगभग 45 ईयर पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे लगभग एकेडमिक स्टाफ की बात करें तो 3000 एकेडमिक स्टाफ है, और करंट में अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो 13600 स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के करंट डाटा की बात करें तो लगभग 1000 से 1200 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में इस समय डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में पढ़ रहे हैं।